السلام. देखिए, मैं इस महीने के 30,000 नहीं दे सकता, यह भी 10,000 का चेक ले लीजिए। आप कुछ भी देंगे मैं ले लूंगा सर झुका के। मैं यह चंदा जमा करने नहीं बैठा हूं, एक सवाल पूछूं। पूछिए। ये पैसे आपने डाले कहां? जुआ, रेस कोर्स, लड़की, शेयर बाजार? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अरे मजे की बातें कर रहा हूं। किस मजे में आपने घुसाए वो 10,00,000 रुपए? देखिए, मैंने मौज मस्ती के लिए लोन नहीं लिया, अपने बेटे को परदेश भेजा पढ़ने के लिए, बस इतनी सी गलती की। I'm sorry अंकल, वो क्या है कि हर लैंग्वेज में बात करना पड़ता है ना, रिकवरी का धंधा ही ऐसा है। खैर छोड़िए, कब आ रहा है आपका बेटा? वो तो यहीं है। अरे फिर तो अच्छा है ना, महीने के 15 आप चुका देना और 15 आपका लड़का चुका देगा, पुराना हिसाब चुकता और गाड़ी है ना ट्रैक पे आ जाएगी। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अच्छा हुआ तू आ गया, तू तो खुद समझदार है। राघुन कह रहा था कि रिटेल में बहुत बूम आया हुआ आजकल। अच्छा, तो राघुन अंकल को बोल दो ना ज्वाइन करने। बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते। ओके ओके, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आई वांट टू बी अ नेचर फोटोग्राफर डैड। अगले हफ्ते इसी के वर्कशॉप के लिए हिमाचल जा रहा हूँ। पर यार, लंदन के लिए जो मैंने लोन लिया था उसका क्या होगा? डोंट वरी पापा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे सेटल तो होने दो, ये नेचर फोटोग्राफी के कोर्स में 6-8 महीने लग जाएंगे, तब तक आप प्लीज मैनेज कर लीजिए। ना ना, क्या आपका बेटा रख के देना चाहिए इसी औलाद को। लेकिन सत्तार भाई, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा खुद अपने आप को पहचान रहा है। आदर्श, नैतिकता, प्रेम, यही सब बातें तो बाप अपने बेटे आप से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए और बोलिए, क्या वो आपसे प्यार करता है? पता नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आपका बेटा घर कितने बजे आता है? करीब 8 बजे। 8 बजे तो कल 8 बजे मैं आपके घर पे आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे आइए ना। ये मैंने उसे कई बार बताया मगर वो कमाल है, ऐसे मौसम में बारिश। दुनिया में हर चीज बदलती है अंकल, मौसम, रिश्ते, नसीब। अच्छा चलता हूँ, आदाब आदाब।